चलिए अब बुलेटिन में बात करते हैं बढ़ते झारखंड की। रघुवर सरकार विकास और रोजगार के लिए लगातार प्रयासरत है। अब इस प्रयास को बढ़ाने में पुलिस के जवान भी पीछे नहीं है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र लोहरदगा में पुलिस के जवान फूल के साथ सब्जियों की खेती कर रहे हैं। बदलाव के इस बयार से आम लोग भी बेहद खुश हैं। बदल रही है झारखंड की तस्वीर। पुलिस के प्रयास से लोगों में बढ़ा विश्वास। न्यूट्री गार्डन में सब्जी और फूल की खेती। यह है लोहरदगा का सेन्हा थाना। यहाँ के जवान कभी गोली और बारूद के बीच रहने को मजबूर थे, लेकिन रघुवर सरकार की नक्सलियों के खिलाफ नीति से इलाके में शांति आ गई है। और यही वजह है कि थाने के जवान ड्यूटी के साथ साथ बागवानी कर फल सब्जी और फूल उगा रहे हैं। पुलिस के जवानों ने इस बागवानी को न्यूट्री गार्डन का नाम दिया है। ये तो शारीरिक मजबूती देगा, ये खाद पदार्थ से विलोम नहीं करता है। बिना विदाउट खाद के ही हम लोग पैदा कर रहे हैं, उससे एनर्जी मिलेगा। लहसुन है, प्याज है, मिर्चा है, तरह तरह के फल पौधा फूल वगैरह भी है, जिससे हम लोग उसे एनर्जी मिलता है। इससे फायदा है कि ड्यूटी पीरियड में जो भी जवान रहते हो तो अलग बात है, जो बचत में रहते हैं हमारे पास जो अवेलेबल जवान रहता है उसे हम सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक न करके अंदर में ही सिंचाई का व्यवस्था है, जिससे हम लोग तरह तरह के फूल पत्ती लगाए हुए हैं, फसलें लगाए हुए हैं। गोलियों की गूंज थमने के बाद पुलिस के जवान भी इलाके को हरा भरा बनाने में जुटे हैं। नक्सल पर नकेल से जवान राहत महसूस कर रहे हैं और अब भूमि को बंजर होने से बचाने का संदेश दे रहे हैं और ऑर्गेनिक खेती कर फल और सब्जी उगाकर सेहत सुधार रहे हैं। ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं सारे न्यूट्री गार्डन के रूप में, कहीं पालक, कहीं मेथी, कहीं फूल, और इससे एक स्वच्छ भारत जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का शुरुआत है स्वच्छ भारत, उसमें भी एक अच्छा संदेश जाने लगे कि चूंकि थाना अगल बगल सारी चीज गंदगियां थी, फूल पौधा लग गए हैं, सारी तरह से सारी चीज क्यारी हो गया, देखने में भी अच्छा लग रहा है। सेन्हा थाने के न्यूट्री गार्डन में जहाँ एक ओर वेस्टेज पानी के सदुपयोग से जवान जल संरक्षण का संदेश दे रहे हैं, वहीं गोलियों की तड़तड़ाहट से खुलने वाली नींद अब फूलों की महक के साथ खुल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।